हेलो बच्चों लेट्स दिस क्वेश्चन इज ए कॉन्वैक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ लेंथ एफ 20 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ड अलोंग द सेम एक्सेस विद अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी इज पैरेलल बीम देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर तो बच्चों फोकल लेंथ दे रखा है ए का जो है ये क्या कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स की ये हम एजूम कर लेते हैं दिस इज है ना दिस इज़ कितनी है ट्वेंटी uh, सेंटीमीटर इसी तरह से एफ ऑफ कॉनकेव की कितनी है बच्चों कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है दिस इज़ फाइव सेंटीमीटर और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस प्लेस किए हुए हैं ट्वेंटी सॉरी डी डिस्टेंस पर तो मैं कुछ इस तरीके डायग्राम बना लूँ ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज़ कॉन्वेक्स हो जाएगा हमारे पास कॉनकेव ठीक है अब ये दोनों एक दूसरे से बच्चों कितनी डिस्टेंस में दिस इज डी डिस्टेंस पर प्लेस किए हुए हैं है ना? तो ये हो जाएगा यहाँ से बच्चों इसका आ, प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है क्या गिवन है क्वेश्चन में कि आ, सेम एक्सिस पे बोला जैसा कि ए भाई पैरल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए तो बच्चों पैरल बीम ऑफ लाइट पहले मैं इंसिडेंट कराता हूँ उस पर ए पर ये ए ये ये ए हो गया और ये बी हो गया ठीक है तो यहाँ पे आ, ये जो लाइट रेज है कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे ठीक है ये लाइट रेज क्या है कहाँ से आ रही है इन्फिनी तो से तो पैरल बीम ऑफ लाइट ये कहाँ से आ रही है बच्चों इन्फिटी से आ रही है तो आपको पता है कि लाइट रेज जो है ये कहाँ पे इंसिडेंट होती है मतलब कहाँ पे मिलती है हाँ ये बोल रहा है कि देखो फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एस पैरल तो लीव्स बी मतलब ये इस पॉइंट पे जा करके यहाँ से इस पॉइंट पे जा करके ये बोल रहा है कि अब इसे लीव कर रहा है ना तो ये बी से पैरल बीम बना रहा है तो यहाँ से बच्चों आई जैसे रेस तो यहाँ से ये पैरल फिर चली गई आगे की तरफ मतलब पैरल है इस तरह से तो पैरल चली गई ठीक है आगे की तरफ और कहाँ पे मिली जाके इनफाइनाइट पे ठीक है तो लाइट रेज आई बच्चों इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे चली गई तो यहाँ से बोला है कि आ, इसका इस पर इस जो कॉन्वेक्स जो मिरर लेंस है इससे जो ऑब्जेक्ट आया इनफाइनाइट से इस पर एक इमेज की यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी मतलब तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बनाएगा इस कॉनकेव uh, मिरर पे और जो इमेज बनेगी ना वो इस कॉनकेव के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बच्चों अब आपको पता है कि इमेज फॉर्म इमेज कहाँ बन रही है इमेज फॉर्म्ड एल वन ठीक है ये मैं लेंस एल वन मान लेता दिस इज एल टू या ए या बी से भी रिप्रेजेंट करता है तो इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम एल इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम एल वन एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एल टू तो ठीक है इसकी जो इमेज बनेगी ना इसकी जो इमेज है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर ठीक है जब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जब इनफाइ जब ये इन्फाइनेट से कोई रेज आती है तो कहाँ मिलती है बच्चों क्योंकि पैरेलल होने का मतलब है कि कहीं कही ना कहीं फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा है ना ऑब्जेक्ट पे क्या है फोकस रखा हुआ है और यहाँ से बोला है कि इसकी ये जो डिस्टेंस है ना कौन सी फोकल लेंथ कितनी की है दिस इज़ फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर और आपसे ट्वेंटी सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ए ट्वेंटी सेंटीमीटर तो यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा ये फोकल लेंथ जो है बच्चों यदि मैं पूरी की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की ये ये वाली पूरी डिस्टेंस है दिस इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस जो कि कुछ इस तरीके से डी की वैल्यू निकालनी है ठीक है ये डी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी यहाँ से यहाँ तक के ठीक है सेंटर होता है यहाँ बीच में ठीक है तो बच्चों अब यहाँ से इनफाइनाइट पे अब देखो इन मतलब इसके लिए एक वर्चुअल इमेज बनेगी इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल आपको पता है कि इनफाइनाइट से यदि ऑब्जेक्ट है तो उस कहाँ पर मतलब फोकस पर रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनती है इनफाइनाइट बनती है है ना इनफाइनाइट पर तो बनेगी यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो फोकस पर ऑब्जेक्ट हो गया इस कौन के मिरर के कौन के लेंस के लिए तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर ये कितनी है इसकी फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर तो डी की डिस्टेंस कितनी जाएगी दिस इज ट्वेंटी माइनस फाइव सेंटीमीटर दिस इज फिफ्टीन सेंटीमीटर इज ओवर आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन सो बेस्ट ऑफ लक